दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम बताने वाले हैं मेसी बस का आइसोलेटर के बारे में कि मेसी बस का जो हमारा 9000U या फिर U+ का इसका भी मॉडल नंबर जो आता है, तो दोस्तों उसके बारे में बताएंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी आइसोलेटर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका वायरिंग कनेक्शन डिटेल्स, उसके बाद इसका बेसिक जो कैलिब्रेशन करते हैं जीरो एसपेन पर इसका इनपुट और आउटपुट का जो कैलिब्रेशन किया जाता है वो हम बताएंगे। उसके बाद दोस्तों इंटरनल जो इसका वर्किंग होता है, इसके अंदर क्या लगे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें ट्रबल शूटिंग, यदि कोई हमारा इसमें प्रॉब्लम आता है उसको क्या प्रॉब्लम आ सकता है और क्या उसका सलूशन हो सकता है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका हमारा मेसी बस 9000U आइसोलेटर के बारे में कि ये होता क्या है। कि दोस्तों कोई भी जो हमारा आइसोलेटर यूज किया जाता है, जो PLC या DCS में जो सिग्नल आइसोलेशन के लिए जो हमारा आइसोलेटर यूज किया जाता है, तो आइसोलेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, एक तो होता है आइसोलेटर का मतलब कि इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा गैल्वेनिक या ऑप्टिकल आइसोलेशन देना, यानी कि फॉल्ट आने की कंडीशन में या फिर ओवर वोल्टेज या ओवर करंट की स्थिति में इनपुट और आउटपुट सर्किट को एक दूसरे से अलग कर देना, ये होता है हमारा मेन आइसोलेटर का काम। और दूसरा जो होता है दोस्तों कि एक जो एक इनपुट को हमारे एक से ज़्यादा आउटपुट में हम यूज कर एक से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए भी हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। जैसे कि 4 to 20 mA के लिए ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल आता है 4 to 20 mA, उसका एक इनपुट है और हमको उस सिग्नल को दो एक से ज़्यादा दो तीन जगह पर हमें उसको ट्रांसमिट करना रहता है, तो इसके लिए हमें आइसोलेटर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आइसोलेटर में हमारे एम्पलीफाइंग यूनिट एम्पलीफाइंग सर्किट लगा रहता है एक से ज़्यादा, हमें जितने जगह इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है उतने ज़्यादा हमें एम्पलीफायर के इसमें यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें हम एक से ज़्यादा यानी 2, 3 या फिर 4 हम इसमें जो हमारे 9000U का जो आइसोलेटर आता है इसमें एक इनपुट दो आउटपुट वाला भी आता है, एक इनपुट और चार आउटपुट वाला भी हमारा आइसोलेटर आता है। तो दोस्तों मेन इसमें मकसद होता है आइसोलेटर का कि इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट को एक दूसरे से आइसोलेट करना, यानी कि फॉल्ट कंडीशन में ओवर करंट में या फिर ओवर वोल्टेज आने पे या सर्किट में किसी अदर दूसरे प्रकार का कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में जो सर्किट का हमारा इनपुट सर्किट यानी कि आइसोलेटर से जो ट्रांसमीटर में जा रहा है उसका सर्किट और आइसोलेटर से जो हमारे कार्ड में जाते हैं PLC या DCS के जो कार्ड में जा रहा है वो दो सर्किट को एक दूसरे से अलग कर देता है। और इसके अलावा जो हमारा इनपुट है और उसमें जो आउटपुट निकल रहा है आउटपुट को एक से ज़्यादा आउटपुट हमारा निकाल के दे सकता है, जैसे कि दो आउटपुट या फिर चार आउटपुट। तो इसके हमारे दो दो टाइप के आते हैं, दो आउटपुट वाला भी आता है, चार आउटपुट वाला भी आता है। तो दोस्तों ये जो हमारा मेसी बस 9000U का जो आइसोलेटर है इससे ये हमारा 4 वायर आइसोलेटर है, यानी कि दोस्तों इसमें हमारे 4 वायर अगर हमें ट्रांसमीटर है तो उसके लिए हम इसमें 2 वायर सप्लाई के लिए दिया गया रहता है और 2 वायर उसके आउटपुट के लिए रहता है, यानी कि इसमें 4 वायरिंग रहता है। एक तो इसमें दो हमारे TPS लिखा रहता है, जहाँ पे भी आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा रहता है TPS, तो TPS का मतलब होता है ट्रांसमीटर पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी इसमें टर्मिनल रहते हैं वायरिंग कनेक्शन के उसमें किसका क्या काम रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें तो दोस्तों ये हमारा मेसी बस 9000U है, ऐसे में एक 9000U+ भी आता है, इसमें अलग अलग वर्जन आते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड वर्जन या फिर एक आता है M वर्जन। तो हमारा स्टैंडर्ड वर्जन जो होता है वो हमारा इनपुट और आउटपुट के बेस पे डिपेंड करता है कि हमारा स्टैंडर्ड वर्जन में इनपुट क्या होगा और जो M वर्जन आता है उसमें हमारा इनपुट क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है हमारा इनपुट पे। क्योंकि दोस्तों जो हमारा मेसी बस का आइसोलेटर है इसमें इनपुट में आप करंट के साथ साथ वोल्टेज भी दे सकते हैं और रेजिस्टेंस भी इसमें दे सकते हैं, जैसे कि 4 to 20 mA भी दे सकते हैं, 0 to 20 mA भी दे सकते हैं, वोल्टेज भी दे सकते हैं 1 से 5 वोल्ट या 1 से 10 वोल्ट, ऐसे में हम इसमें इनपुट में आप वोल्टेज भी दे सकते हैं करंट भी दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट में आप 4 to 20 mA इसमें आउटपुट ले सकते हैं। अब इसमें इनपुट में दोस्तों RTD भी कनेक्ट किया जा सकता है, थर्मोकपल भी कनेक्ट कर सकते हैं और 4 to 20 mA के बजाय आप वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग इनपुट उसमें यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको एक चार से दिख रहा होगा इनपुट का कि आप क्या इनपुट में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप बता देते हैं इसका जो हमारा मेसी बस का जो आइसोलेटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं। इसके ऊपर जो जो हमारे सिंबल रहते हैं उसके जो LED रहता है उसका क्या और जो हमारे टर्मिनेशन होते हैं उनके डिटेल्स हम बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखें
जो हमारा एक दो और तीन इसमें टर्मिनल दिया गया रहता है, तो एक और दो पे हमारा सप्लाई कनेक्ट होता है। इसमें पावर में हम एसी या डीसी कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पावर सप्लाई में एसी या फिर डीसी हम कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। आपके पास जो सप्लाई अवेलेबल है आप इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। आप एसी देंगे तो भी उसमें डीसी को इसमें कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद तीन नंबर इसमें टर्मिनल दोस्तों दिया गया रहता है, अर्थिंग के लिए या फिर ग्राउंड के लिए। तो उसके बाद हमारा 6-7 जो है तो वहाँ पे लिखा रहता है टीपीएस। तो 6-7 का मतलब, ये टीपीएस का मतलब दोस्तों ट्रांसमीटर पावर सप्लाई। अगर आपका ट्रांसमीटर अगर 3 वायर या 4 वायर है तो उसके लिए हमें अलग से पावर सप्लाई देने की देना रहता है। तो इसके लिए आप यहाँ से 6 और 7 नंबर टर्मिनल में से हम पावर सप्लाई इसमें से यूज कर सकते हैं। और इनपुट जहाँ पे लिखा है 8 और 9, उस इनपुट पे हम ट्रांसमीटर का आउटपुट वाला यानी कि 4 to 20 का जो आउटपुट आता है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारा ट्रांसमीटर 2 वायर वाला है तो 2 वायर वाले में 7 और 8 पे हम कनेक्शन करते हैं। 7 से हमारा पावर सप्लाई जाता है, 8 से हमारा रिटर्न आता है। तो अगर 2 वायर है तो 7 और 8 पे कनेक्ट करना है, 3 वायर है तो 7, 8, 9 पे कनेक्ट करना है, और 4 वायर है तो 6, 7, 8 और 9 पे कनेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे देख सकते हैं इसमें 3 LED दिया गया था। 3 LED में दोस्तों एक है रेड LED जो रहता है वो हमारा ये आइसोलेटर के पावर ऑन के लिए दिया गया रहता है। जब इसमें पावर सप्लाई देंगे आइसोलेटर को तो जिससे आइसोलेटर हेल्दी होगा तो रेड LED जो हमारा होगा वो ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई इसका हेल्दी हो गया। इसके अलावा जो आउटपुट में 2 LED दिया गया रहता है, एक रहता है आउटपुट 1 के लिए और दूसरा रहता है आउटपुट 2 के लिए। एक होता है पावर के लिए, एक होता है आउटपुट 1 के लिए और एक होता है आउटपुट 2 के लिए। तो पावर वाला जो होगा रेड होगा और आउटपुट 1 और आउटपुट 2 वाला जो रहता है ग्रीन टाइप का LED रहता है, ग्रीन कलर का LED रहेगा। तो दोस्तों अगर आउटपुट 1 ऑन होगा तो हमारा ग्रीन इसके सामने वाला ग्रीन LED ऑन हो जाएगा, और जब आउटपुट 2 ऑन होगा तो इसके सामने वाला ग्रीन LED जो है हमारा ऑन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऊपर इसके देखेंगे तो इसमें रोटेटिंग नोब है यानी कि एडजस्ट करने के लिए S, Z और S लिखा रहता है। आउटपुट 1 के भी सामने, आउटपुट 2 के भी जस्ट ऊपर Z और S लिखा रहेगा, और वहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग नोब दिया गया रहता है यानी स्क्रू टाइप का नोब दिया गया रहता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों कैलिब्रेशन नोब। ये जो होता है 0 और S पे एडजस्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारे आउटपुट 1 है और आउटपुट 2 है इसका कैलिब्रेशन के लिए दिया गया था, 0 कैलिब्रेशन और S पे कैलिब्रेशन। तो ये होता है Z और S, ये होता है एडजस्टिंग नोब या कैलिब्रेशन नोब इसको बोला जाता है। ये 0 और S पे कैलिब्रेशन के लिए, जेड का मतलब 0 और S का मतलब S पे होता है। तो जैसे कि हम ट्रांसमीटर में भी 0 S पे का सेटिंग किया जाता है, रेंज सेटअप किया जाता है, सेम वैसे ही हमारे जो आइसोलेटर का आउटपुट का भी कैलिब्रेशन करना पड़ता है। 420 mA आउटपुट जो निकल रहा है तो उसका हमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए हमारे 0 और S पे का कैलिब्रेशन नोब दिया गया है। जैसे अगर आउटपुट 1 को कैलिब्रेट करना है तो उसके सामने का 0 वाले से 0 S वाले से S पेन, ऐसे आउटपुट 2 वाले को भी। इसके बारे में हम आगे बताते हैं कैसे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। 17 नहीं, ये हमारा 17 और 18 होता है। ये होता है 17 18, और जो आउटपुट 2 होता है वो हमारा होता है 13 14। तो 13 14 17 18 हमारा आउटपुट हो गया। एक होता है आउटपुट 1, एक होता है आउटपुट 2, यानी ये 2 आउटपुट का आइसोलेटर है, एक इनपुट और 2 आउटपुट। और बाकी जो हमारे TPS का मतलब है ट्रांसमीटर पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये जो हमारे 0 S पेन के लिए एडजस्टिंग जो नोब दिया गया रहता है इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन पोर्ट भी बोल सकते हैं, या फिर 0 S पेन एडजस्टमेंट पोर्ट बोला जाता है। पोर्ट का मतलब होता है दोस्तों ये होता है एडजस्टमेंट पोर्ट बोला। पोर्ट का मतलब होता है पोटेंशियोमीटर। इसका जो एडजस्ट किया जाता है जब हम इसको रोटेट करते हैं तो वो वहाँ पे पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर एक लंबा रेजिस्टेंस होता है सर्कल टाइप का, उसी को जब एडजस्ट किया जाता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हमारा आउटपुट में करंट भी कंट्रोल होता है। तो मेन इसीलिए इसको पोर्ट बोला, पोर्ट का मतलब ये पोटेंशियोमीटर, इसको शॉर्टकट में पोर्ट बोला जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट पोर्ट। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक पार्ट का नाम आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारे आइसोलेटर के पार्ट से हो गए, ये एक्सटर्नल जो हमारे फिजिकली जो शो करता है इसके बारे में, आउटपुट का, इनपुट का, और जो हमारे कैलिब्रेशन के लिए दिए गए रहते हैं। तो दोस्तों ये चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। तो दोस्तों कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं इनपुट के हिसाब से आउटपुट को मैच कराना। तो देखिए इस एक साइड में ले लेते हैं इनपुट और एक साइड में रहेगा आउटपुट,
तो दोस्तों इनपुट जितना आ रहा है उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसी को हमारा मैच कराना रहता है। आउटपुट में मान लीजिए हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर ले रहे हैं सिग्नल आउटपुट। अब इनपुट में डिपेंड करता है दोस्तों कि इनपुट में आप कौन सा सिग्नल ले रहे हैं। अगर इनपुट में भी 4 to 20 मिली एम्पियर ही ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 to 20 मिली एम्पियर ले रहे हैं, तो इनपुट में 4 मिली एम्पियर अप्लाई करने में हमें आउटपुट में भी 4 to 20 मिली एम्पियर इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो दिया गया रहता है, जीरो के लिए और स्पेन के लिए। ये दो हमारे नोब दिए गए हैं या फिर पोर्ट दिया गया रहता है एडजस्ट करने के लिए आउटपुट अगर हमारा सही नहीं आ रहा है तो। तो उसके बाद देखते हैं, अब प्रोसेस बताते हैं कि कैसे इसको कैलिब्रेट करना है। दोस्तों मान लीजिए आपको जीरो का कैलिब्रेशन करना है, आउटपुट वन, केवल आउटपुट वन ले रहे हैं, तो पहले आउटपुट वन को अगर आपको कैलिब्रेशन करना है तो हम यहाँ पे इनपुट में 4 to 20 मिली एम्पियर अगर आप सिग्नल जैसे ट्रांसमीटर का आउटपुट ले रहे हैं, तो आप सबसे पहले 4 मिली एम्पियर आप जब इसको कैलिब्रेशन लैब में ले जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 4 मिली एम्पियर यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो हमारे ट्रांसमीटर से पहले मेजरमेंट कर लेंगे कि 4 मिली एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 4 मिली एम्पियर चेक करेंगे 4 मिली एम्पियर आ रहा है, या फिर अलग से 4 मिली एम्पियर सोर्स से यहाँ पे अप्लाई करके इनपुट में, फिर आउटपुट पे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि यहाँ पे 4 मिली एम्पियर आ रहा है कि नहीं आउटपुट वन का आउटपुट। अगर नहीं आ रहा है तो उसको यहाँ से जीरो वाले से इसको रोटेट करेंगे, जब तक रोटेट किए करेंगे जब करेक्ट हमारा 4 मिली एम्पियर आउटपुट में हमारा सेट ना हो जाए। तो जैसे ही 4 मिली एम्पियर यहाँ पे आने लगेगा दोस्तों, फिर जो हमारा जीरो का पोर्ट एडजस्टिंग नॉब है वहाँ पे छोड़ देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 4 मिली एम्पियर यहाँ पे दिए और आउटपुट में हमारा 4 मिली एम्पियर के बजाय 3.9 आ रहा है, तो आप इसको रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा बढ़ेगा। जब इसको जैसे 4.0 होगा वहां पे इसको छोड़ देना है, तभी हमारा सेट हो जाएगा 4 मिली एम्पियर पे। इसके बाद फिर दोस्तों आपको 20 मिली एम्पियर दिया गया देना है। इसमें दो ही पॉइंट का कैलिब्रेशन करना रहता है, जीरो और स्पेन का बस, या मिनिमम और मैक्सिमम, LRB और URB। तो फिर आपको 20 मिली एम्पियर दे रहा है, उसके बाद आपको जो स्पेन है स्पेन एडजस्टमेंट करना रहता है। जैसे मान लीजिए आप 20 मिली एम्पियर दिए और 20 मिली एम्पियर पे यहाँ पे 20 नहीं आ रहा है, मान लीजिए 19 मिली एम्पियर, तो आपको स्पेन वाले को रोटेट करना है। इसको रोटेट करेंगे तो हमारा बढ़ने लगेगा 19 वाला आउटपुट में, और जैसे ही हमारा बढ़ के 20 पहुंचेगा फिर आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, फिर उसके बाद ये हमारा सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा तो इसको आप दोबारा रिपीट करना है, 4 मिली एम्पियर दीजिए और आउटपुट में वैल्यू चेक कीजिए, फिर 20 मिली एम्पियर दीजिए और आउटपुट में वैल्यू हमारा चेक कीजिए। तो ये इसका होता है कैलिब्रेशन का प्रोसेस, जीरो और स्पेन के कैलिब्रेशन के लिए। तो ऐसे ही आप आउटपुट वन का किए जैसे, तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही यही इसी प्रोसेस से आपको आउटपुट टू का करना है। आउटपुट टू में भी 4 to 20 मिली एम्पियर हमको आउटपुट मिलेगा। अब दोस्तों आउटपुट वन जब करना रहता है तो आउटपुट वन जहाँ पे लिखा रहता है उसके सामने वाले जीरो स्पेन को एडजस्ट किया जाता है, और जब आपको आउटपुट टू का कैलिब्रेशन करना है तो आउटपुट टू के सामने जो हमारा जीरो और स्पेन लिखा होगा उसके हमारा एडजस्ट करना है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जब हमारा इनपुट हमारे 4 to 20 मिली एम्पियर दे रहे हैं तब तो हम इसका कैलिब्रेशन 4 to 20 मिली एम्पियर लेंगे, लेकिन जब इसका इनपुट में अगर दूसरा इनपुट दे रहे हैं जैसे वोल्टेज इनपुट देना है, उस केस में आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये जो हमारा आइसोलेटर आया है, हमने पहले आपको बताया था कि इसमें दो टाइप के आते हैं, दो वर्जन इसके आते हैं, दो टाइप आते हैं, एक आता है एस टाइप का, एक दूसरा आता है हमारा एम टाइप का। तो दोस्तों जो हमारा एस टाइप का आता है, एस टाइप में आप इनपुट में चाहे 4 to 20 मिली एम्पियर दीजिए या फिर 0 to 20 मिली एम्पियर दीजिए या फिर वोल्टेज दीजिए, आउटपुट में हमेशा इसमें 4 to 20 मिली एम्प्स ही आएगा इसमें स्टैंडर्ड वर्जन में। लेकिन दोस्तों जो एम वर्जन होगा, एम वर्जन में जो इनपुट देंगे वही हमारा आउटपुट मिलता है। तो ये जो हमारा आइसोलेटर है, हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और जो हमारे अगर एम वर्जन होता, एम टाइप का होता, तो उसमें अगर आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर देंगे तो इनपुट अगर 4 to 20 मिली एम्पियर देंगे तो हमारा आउटपुट में भी वही मिलेगा। अगर आप 0 to 20 मिली एम्पियर देंगे तो उसमें आप मतलब इनपुट के हिसाब से आउटपुट भी हमारा चेंज होता रहता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वर्जन में फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड में हमारा हमेशा 4 to 20 मिली एम्पियर ही आता है। तो दोस्तों ये हमने कैलिब्रेशन आपका बताया कि 4 to 20 मिली एम्पियर पर करेंगे तो कैसे करना है। सेम उसी प्रकार से अगर आपका इनपुट में दोस्तों वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि 1 से 10 वोल्टेज है, मान लीजिए 1 से 10 वोल्टेज है आपका, और आउटपुट में आपको 4 to 20 मिली एम्पियर आ रहा है, तो जब आपको इसका कैलिब्रेशन करना है तो सबसे पहले जीरो कैलिब्रेशन करना है। मान लीजिए जीरो आउटपुट वन पे जीरो कैलिब्रेशन करना है,
तो सबसे पहले एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस पे। जब एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में चेक करना है मल्टीमीटर से वोल्टेज, एक वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कम या ज्यादा मिल रहा है तो आपको जीरो वाले से उसको रोटेट करके एडजस्ट करना है, एक वोल्टेज पे सेट कर देना है। उसके बाद फिर आपको 10 वोल्टेज अप्लाई करना है और 10 वोल्टेज अप्लाई करने के बाद स्पिन वाले को रोटेट करके एडजस्ट करना है। तो इसी प्रकार से जैसे आपके सेट हो जाएगा, सेट करने के बाद दोबारा से वैल्यू अप्लाई करना है और आउटपुट में हमें केवल चेक करना है मल्टीमीटर से। तो इस प्रकार से आपको वोल्टेज का भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो इनपुट में दोस्तों इसमें देखिए क्या क्या ले सकते हैं। इनपुट में इसमें जो ऑप्शन दिया गया रहता है 9000 यू जो आइसोलेटर है, इनमें इनपुट में 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 1 से 5 volt DC, 0 से 5 volt DC और 0 से 10 volt DC, ये हमारा इनपुट में इसमें ऑप्शन रहता है। आप इसमें से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। तो ट्रांसमीटर के लिए जब किया जाता है तो उसमें 4 to 20 mA ये आउटपुट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप RTD का भी यूज कर सकते हैं, RTD के लिए, या फिर अलग से इसमें रेजिस्टेंस भी इनपुट में यूज कर सकते हैं। जब आपको RTD का कैलिब्रेशन करना रहता है तो उस टाइम आप स्टैंडर्ड एक रेजिस्टेंस वैल्यू इसमें अप्लाई करके फिर उसके आउटपुट में इसमें उतना चेक करना रहता है। अगर आउटपुट 4 to 20 mA ले रहे हैं तो वो वैल्यू उसमें मैच कराना रहता है जब इसमें कैलिब्रेशन करेंगे। तो कि अगर मान लीजिए RTD PT100 है तो PT100 में कितना रेजिस्टेंस पे कितना आउटपुट आना चाहिए वो आपको यहाँ पे सेट करना रहता है। मिनिमम और मैक्सिमम अप्लाई करेंगे और जीरो रेस्पेन का इसमें सेट करेंगे रोटेट करके। तो ये इसका कैलिब्रेशन प्रोसेस होता है दोस्तों। इनपुट अप्लाई करना रहता है और उसके हिसाब से आउटपुट को अगर नहीं आ रहा है तो उसको जीरो रेस्पेन से जीरो वाला सेट करना है तो जीरो को रोटेट करके सेट कर देंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 20 mA आपको नहीं प्रॉपर मिल रहा है तो स्पिन वाले से सेट कर लेंगे। तो ये हो गया एक प्रोसेस हमारे कैलिब्रेशन का। तो इसके अलावा दोस्तों एक जो मीडियम एस वर्जन है, ये जो हमने प्रोसेस बताया हमारा एस स्टैंडर्ड वर्जन का होता है, एक आता है इसका एम वर्जन। तो एम वर्जन वाले में क्या होता है, एम वाले में दोस्तों आउटपुट में हमारा 0 से 20 mA, 1 से 5 volt DC, 0 से 5 volt DC और 0 से 10 volt DC या फिर कोई अगर अदर स्पेशल हमारा आउटपुट उसमें ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन के लिए स्विच दिया गया रहता है कि आपको क्या आउटपुट में लेना है, 0 to 20 लेना है या फिर 1 से 5 volt DC आउटपुट लेना है या फिर 0 से 5 volt DC आउटपुट लेना है या फिर 0 से 10 volt आउटपुट DC लेना है जब हमें एम वर्जन का हमारा मॉड्यूल जो रहता है आइसोलेटर का। लेकिन ज़्यादातर हमें एस स्टैंडर्ड वाला ही देखने को मिलता है PLC या DCS में जहाँ भी लगा रहता है, तो ज़्यादातर स्टैंडर्ड वर्जन ही लगा रहता है, उसमें हमारे आउटपुट में 4 to 20 mA आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर कहीं आपको अगर एम वर्जन उसमें ले रहे हैं तो उसमें सिलेक्टर स्विच दिया गया रहता है आउटपुट सिलेक्शन के लिए कि आपको कौन सा इसमें आउटपुट लेना है। तो ये हमारा हो गया कैलिब्रेशन। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इसका इंटरनल वर्किंग के बारे में कि इसके इंटरनल जो सर्किट होते हैं वो कैसे काम करता है और एक इनपुट को तो आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा इंटरनल सर्किट डायग्राम है इसका, जो इसके अंदर जो हमारे पार्ट्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पे एक और दो देखिए हमारा पावर सप्लाई के लिए है, एक और दो हमारा पावर सप्लाई, ये रेक्टिफायर का सर्किट है। यहाँ पे AC सप्लाई देंगे तो रेक्टिफायर इसको AC और DC में, AC से DC में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। तो दोस्तों ये जो हमारा आउटपुट दे रहा है तीन टाइप के आउटपुट दे रहा है, तीन जगह इसका DC सप्लाई आउटपुट में जा रहा है। एक हमारा TPS के लिए जा रहा है यानी 6-7 जो टर्मिनल होता है ट्रांसमीटर पावर सप्लाई के लिए, वहाँ से DC सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा इनपुट का जो है इनपुट सर्किट है, इनपुट पे भी हमारा 24 volt DC दे रहा है और उसके बाद जो हमारे आउटपुट के जो सर्किट होते हैं वहाँ पे भी हमारे 24 volt सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनपुट में जहाँ पे हमारा इनपुट कनेक्ट होता है 8 और 9 पे इनपुट जो कनेक्ट होता है वहाँ पे भी हमारा एम्पलीफायर सर्किट लगा रहता है। ये एक इनपुट यहाँ पे आ रहा है, ये एक इनपुट जो होता है दोस्तों इसको दो डिवाइड करके दो जगह पे यहाँ पे आइसोलेशन सर्किट लगा रहता है। एक होता है फोटो डायोड और एक होता है LED। LED जो होता है इसका लाइट जो होता है वो हमारा फोटो डायोड पे जब आता है तो फोटो डायोड भी एक्ट होता है तो हमारा सप्लाई जो होता है हमारा एम्पलीफायर आउटपुट एम्पलीफायर जो लगे रहते हैं उनको देता है। तो आउटपुट एम्पलीफायर में हमारा सब जो 4 to 20 mA जाता है उससे हमारा आउटपुट जाने लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्या हमारा इनपुट देंगे यहाँ पे इसे वाले इनपुट सर्किट पे एम्पलीफायर सर्किट और भी बहुत सारे इक्विपमेंट लग रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे जब हमारा आएगा तो इसमें से दो आउटपुट निकाल रहा है। दोनों आउटपुट जो है हमारा ये आइसोलेशन होते हैं इनके बीच में देख सकते हैं, इनपुट और आउटपुट 2 के बीच में भी आइसोलेशन है, इनपुट और आउटपुट 1 के बीच में भी आइसोलेशन है और
इनपुट और आउटपुट के बीच में भी ऑसिलेशन है, यानी कि टोटल इसमें दोस्तों तीन टाइप का ऑसिलेशन है, इनपुट से आउटपुट वन, इनपुट से आउटपुट टू, और पावर सप्लाई से इनपुट में भी हमारा ऑसिलेशन दिया गया रहता है। तो ये हमारा आउटपुट वन के लिए एम्पलीफायर दिया गया रहता है, एक आउटपुट टू के लिए एम्पलीफायर दिया गया रहता है, एक इनपुट सर्किट पे भी एम्पलीफायर दिया गया रहता है। तो जो एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है, यानी सिग्नल की जो क्वालिटी होती है उसको कम ना हो, सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दिया गया रहता है। यानी एक जगह से जब सिग्नल का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। और इन दोनों के बीच में आइसोलेशन सर्किट लगा रहता है, LED और फोटो डायोड। तो ये हमारा सिग्नल को जैसे आइसोलेट करने के लिए दिया गया रहता है, इसी को आइसोलेशन बोला जाता है दोस्तों, कि अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई फॉल्ट आता है तो दोनों सर्किट आपस में अलग अलग हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये इसका इंटरनल वर्किंग होता है। ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन है, ये हमारा इनपुट सर्किट है, ये TPS मतलब ट्रांसमीटर पावर सप्लाई, यहाँ से ट्रांसमीटर को पावर देने के लिए अगर 4 वायर है, 3 वायर है तो। और ये हमारा इनपुट है 4 to 20 mA या फिर 0 to 10 volt, 1 से 5 volt या फिर रेजिस्टेंस जो भी हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे 8 और 9 पे कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद 2 आउटपुट हो गया, 13 और 14, यहाँ पे एम्पलीफायर 1 है और यहाँ पे एम्पलीफायर 2 है। यहाँ पे लिखा भी है कि वोल्टेज से वोल्टेज या फिर I में कन्वर्जन के लिए, और ये आउटपुट 1 भी जो होता है वोल्टेज से वोल्टेज या फिर करंट में कन्वर्जन के लिए, और ये आइसोलेशन सर्किट हो गया। तो ये इसका इंटरनल वर्किंग होता है दोस्तों, कैसे इंटरनली वर्क करता है एम्पलीफायर के थ्रू, और फोटो डायोड और LED इसमें आइसोलेशन के लिए लगा रहता है। तो और एक रेक्टिफायर सर्किट होता है, जो कि अगर हम AC सप्लाई यूज कर रहे हैं तो उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर आप DC डायरेक्ट यूज करेंगे तो उसमें डायरेक्ट DC इनपुट और DC आउटपुट में भी चला जाएगा। तो ये मेन जो काम कर रहा है दोस्तों, DC सप्लाई पे ही काम करता है। तो दोस्तों अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, तो आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि फॉल्ट आने की कंडीशन में इनपुट सर्किट को आउटपुट सर्किट से अलग कर देना ही हमारा आइसोलेशन कहलाता है। और एक इनपुट जो होता है, जैसे एक इनपुट दे रहे हैं तो उसको एक से ज़्यादा आउटपुट में हमें लेना है आउटपुट, तो उसके लिए भी हमें आइसोलेशन का यूज किया जाता है। अब ये दोस्तों 2 आउटपुट वाला है, ऐसे ही हम अगर एम्पलीफायर की संख्या बढ़ा देंगे तो हमारा 4 आउटपुट वाला भी आता है, सेम इसी का 4 आउटपुट का सर्किट आता है। देखिए जैसे कि हम आपको 4 आउटपुट वाला भी सर्किट दिखाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसमें 4 आउटपुट लिया गया रहता है, एक इनपुट आ रहा है, एक ही इनपुट को हमारे 4 आउटपुट मिले रहा है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 और आउटपुट 4। तो इसी प्रकार से 2 आउटपुट और 4 आउटपुट आप आइसोलेटर के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं। इसका यूज कब किया जाता है दोस्तों, जैसे कि हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे एक सब इसका फीडबैक देना रहता है ट्रांसमीटर का। इसके अलावा दोस्तों जो CCR में जैसे सेंट्रल कंट्रोल रूम में भी देना है, तो वहाँ से हम यहाँ से मॉड्यूल लगा के उसका एक सिग्नल वहाँ पे भी हम सेंड कर देते हैं। तो इसी के लिए हमें एक इनपुट से 2 आउटपुट वाले मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया इसका इंटरनल वर्किंग। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है। तो दोस्तों ये जो हमारा आइसोलेटर होता है मेसीबस 9000U आइसोलेटर, इनमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आते हैं देखने को, एक तो होता है पावर ऑन नहीं होता, यानी कि पावर नॉट ऑन। अगर दोस्तों अगर पावर नॉट ऑन का अगर प्रॉब्लम होता है, ये ट्रबल शूटिंग के केस में, कि अगर पावर ऑन नहीं हो रहा तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना है। तो दोस्तों अगर पावर ऑन नहीं हो रहा तो इसका सबसे बड़ा एक मेन रीज़न आपको देखना है, सबसे पहले लूज कनेक्शन। आपने टाइट तो उसमें किया रहता है लेकिन जो हमारा वायर होता है वो लूज रहता है, उसके वजह से भी हमारा ये पावर ऑन नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक होता है बैड कनेक्शन। तो दोस्तों बैड कनेक्शन का मतलब होता है दोस्तों उल्टा कनेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए पावर ऑन नहीं हो रहा है। इसके अलावा लो वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज जो रेटिंग है, जैसे मान लीजिए हमारा जो रेटिंग है कितने वोल्टेज से कितना वोल्टेज पे हमारा चल सकता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का या फिर मॉड्यूल का एक रेटिंग होता है, अगर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम, बहुत कम दे रहे हैं, इसके वजह से भी हमारा ऑन नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको पहले पावर सप्लाई चेक कर लेना है मल्टीमीटर से, कि पावर सप्लाई उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको टर्मिनल का पोलैरिटी चेक करना है, और फिर उसके बाद लूज कनेक्शन चेक करना है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ अगर आपको सही है, लूज कनेक्शन भी नहीं है, पावर सप्लाई भी हेल्दी है, अच्छा है, जितना चाहिए उतना है, और तो उसके बाद आपको दोस्तों ये श्योर करना है कि जो हमारा कनेक्शन है, पावर सप्लाई है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है। इसके बाद तब ये मतलब ये निकलेगा कि हमारे जो पावर सप्लाई है, जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर का जो पावर कार्ड होता है, वो पावर कार्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आइसोलेटर में हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम आता है, अनस्टेबल रीडिंग या फिर फ्लक्चुएशन का है, यानी कि जो फ्लक्चुएशन होता रहता है रीडिंग का, तो इसका क्या वजह हो सकता है। तो फ्लक्चुएशन का भी दोस्तों
एक होता है लूज कनेक्शन, यानी लूज कनेक्शन यानी इनपुट का लूज कनेक्शन, इनपुट जो वायर हम कनेक्ट किए रहते हैं उसका लूज कनेक्शन, या फिर आउटपुट का लूज कनेक्शन, इनपुट और आउटपुट में जो हमारे वायर हैं उनका लूज कनेक्शन भी हो सकता है फ्लक्चुएशन का। और इसके अलावा जो हमारे ट्रांसमीटर का जो आउटपुट आ रहा है आपको वो चेक करना है कि ट्रांसमीटर का जो अगर आउटपुट ही सर्किट जो आ रहा है उसमें ही फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है ट्रांसमीटर के पास से ही। तो दोस्तों ट्रांसमीटर का आउटपुट में भी अगर फ्लक्चुएशन आता है तो उसकी वजह से भी हमारा आउटपुट में भी यहाँ जो मॉड्यूल का आउटपुट है वहाँ पे भी फ्लक्चुएशन आ सकता है, यानी वैल्यू रीडिंग जो है गड़बड़ हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक जो इसमें प्रॉब्लम आता है होता है बैगो रीडिंग। बैगो रीडिंग का मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट रीडिंग, यानी कि जो रीडिंग है क्लियर नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह होगा दोस्तों जो हम इनपुट जो कनेक्ट किए रहते हैं, इनपुट जो जो हमारा जो भी मॉड्यूल पे हमारा इनपुट जो कनेक्ट किया जाता है मॉड्यूल का जो पोलैरिटी है, यानी इनपुट का जो पोलैरिटी है वो उल्टा है, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, प्लस कनेक्ट हो गया, इसकी वजह से हमारा रीडिंग जो है बैगो आया, यानी कि अस्पष्ट आ रहा है। तो आपको उल्टा करना है उसको, वो रिवर्स होने की वजह से भी जो हमारा वैल्यू आता है वो हमारा सही नहीं आता है। इसके बाद एक जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों इनपुट और आउटपुट वैल्यू नहीं मैच कर रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मेन एक ही रीजन हो सकता है कि हमें कैलिब्रेशन जो पॉट है, कैलिब्रेशन नोब है, उसको एडजस्ट कर नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपको कैलिब्रेशन करना है, कैलिब्रेशन प्रोसेस हमने जो बताया था उससे आपको कैलिब्रेशन करना रहता है। लेकिन दोस्तों कैलिब्रेशन करने से पहले आपको श्योर कर लेना है कि इनपुट और आउटपुट एक्चुअल में मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड मल्टीमीटर से आपको इनपुट और आउटपुट दोनों चेक करना होता है। अगर एक्चुअल में ही नहीं मैच कर रहा तब आपको कैलिब्रेशन करना रहता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका हमारा फॉल्ट क्या क्या आ सकता है और इसका उसका हमारा सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो हमारे कार्ड्स यूज किए जाते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर के अंदर जो हमारे कार्ड्स यूज किए गए हैं, जो हमने आपको बताया था इसमें क्या क्या एम्पलीफाई सर्किट, इनपुट सर्किट और पावर, जो हमारा पावर सर्किट इसमें यूज किया था, इसके लिए हमारे टोटल तीन टाइप के इसमें कार्ड यूज किए गए हैं। इसमें जो कार्ड्स हैं तो दोस्तों इसमें तो तीन टाइप के जो कार्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग के लिए। तो दोस्तों सिग्नल कंडीशनिंग वाला जो है वो जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसको कंडीशनिंग करके उसको आउटपुट में एक्चुअल वैल्यू यानी कि नॉइज को कैंसिलेशन करने के बाद जो भी हमारे आइसोलेटर या फिर कन्वर्टर जो हमारे मॉड्यूल यूज किए जाते हैं इनसे नॉइज कैंसिलेशन का सर्किट दिया गया रहता है। सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब यही होता है कि जो हमारे फील्ड से जो सिग्नल आ रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर, इनके साथ में नॉइज भी आता है, नॉइज सिग्नल, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे केबल या फिर वायर एक जगह से दूसरे जगह हमारे प्लांट्स में गए रहते हैं, तो इनकी वजह से नॉइज सिग्नल जनरेट होता है। उस नॉइज सिग्नल को अवॉइड करने के लिए यानी रेडियो एरर को कम करने के लिए हमारे सिग्नल कंडीशनर कार्ड लगा रहता है। तो दोस्तों सिग्नल कंडीशनर का काम यही रहता है एरर को कम करना या फिर नॉइज को कम करना। तो इसमें नॉइज कैंसिलेशन के लिए भी CMMR या फिर ये दो टाइप के हमारे सर्किट होते हैं नॉइज कैंसिलेशन के। एक होता है दोस्तों CMRR, एक होता है NMRR। तो CMRR का मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और NMRR का मतलब होता है नॉर्मल मोड रिजेक्शन रेशियो। जो आपने अगर जिसने भी पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स से उनको पता होगा कि CMRR क्या होता है और NMRR क्या होता है। तो ये मॉड्यूलेटर और इसमें सर्किट बहुत सारे यूज किए, जो हमारे कंडीशनर जो सर्किट होता है उसमें हमारे जो एरर को कम करने के लिए लगाया जाता है नॉइज को कैंसिल करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं CMRR और NMRR। एक होता है CMRR, एक होता है NMRR। तो दोस्तों जो CMRR अगर हमारा लगा रहता है तो हमारा 100 dB तक हमारा एरर को कम कर सकता है, और जो NMRR होता है वो हमारा 70 dB तक हमारा एरर को ही हमारा कम कर सकता है। तो ये सिग्नल कंडीशनर का मतलब यही होता है, इसके अंदर जो कार्ड लगाया गया है सिग्नल को कंडीशनिंग करने के लिए, यानी एरर को कम करने के लिए, नॉइज को कम करने के लिए। इसके अलावा तो दूसरा इसमें कार्ड यूज किया जाता है दोस्तों वो होता है टर्मिनल कार्ड। तो दोस्तों जो टर्मिनल कार्ड्स होते हैं वो हमारे जो जितने भी टर्मिनल दिए गए हैं, इनपुट का टर्मिनल, पावर सप्लाई का टर्मिनल और आउटपुट का जो टर्मिनल है उसका जो कनेक्शन किया जाता है जिस PCB कार्ड पे, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्ड। तो एक कार्ड ये होता है जिस पे हमारे सारे टर्मिनल इसमें माउंट किए गए रहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा होता है दोस्तों ट्रिम पोर्ट कार्ड, इसको बोलते हैं ट्रिम पोर्ट कार्ड। तो दोस्तों ट्रिम पोर्ट कार्ड का मतलब जो हम कैलिब्रेशन जीरो और स्पेन का जो कैलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे S0 का, S-Pen का जो कैलिब्रेशन नोब लगा रहता है रोटेट करने के लिए, रोटेटिंग नोब,
उसको बोलते हैं ट्रिम पोर्ट कार्ड। उसमें हमारे पोटेंशियोमीटर सर्किट और सारे बहुत जो हमारे एलईडी वगैरह लगे रहते हैं उसके ऊपर, तो इसी को बोलते हैं ट्रिम पोर्ट कार्ड। तो दोस्तों इसमें टोटल तीन कार्ड लगे हुए हैं, एक है सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड, एक होता है टर्मिनल कार्ड और एक होता है ट्रिम पोर्ट कार्ड। ये टोटल तीन ही कार्ड इसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा कैसे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है और कैसे इसका वायरिंग कनेक्शन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसमें कोई अगर अलग से आपको कन्फ्यूजन है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।